नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार प्रसाद, स्टडी 24 T20 GKGS टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आज का प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज आप लोग का स्टार्ट हो चुका है। ये NTPC रेलवे प्रीवियस ईयर 4 अप्रैल 2016 का फर्स्ट शिफ्ट का है। आशा करते हैं आप लोग अभी प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन है देखकर काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि और इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा मैं मैथ का भी जारी कर सकूं। अगर ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा वीडियो शेयर करेंगे तो मैं मैथ का भी शुरू करूँगा। आप लोग अपने कॉपी में आंसर लिखेंगे। इसमें काफ़ी टफ क्वेश्चन भी है और इजी भी है, जो आप वैसा क्वेश्चन है जो कभी नहीं पढ़े होंगे, ऐसा क्वेश्चन भी है इसमें, तो आप लोग कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए, काफ़ी समय हो चुका है, आंसर मिलाते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान में DNA का पूर्ण रूप क्या है? तो जीव विज्ञान में DNA का फुल रूप है डीऑक्सी नीबो 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 न्यू क्लिक क्लिक ऑक्स एस एसिड डीऑक्सी नीबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द ऑटोबायोग्राफी एंड अननोन इंडिया का लेखक कौन है? किसका ऑटोबायोग्राफी है? तो नीरज सी चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, GSM का पूर्ण रूप क्या है? GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में यूरोपियन क्लब के लिए खेलने वाला पहला फुटबॉलर खिलाड़ी कौन है? भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपियन क्लब के लिए खेलने वाला पहला खिलाड़ी वो है मोहम्मद सलीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2015 में सेशेल्स के सांस्कृतिक राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया? अक्टूबर 2015 में सेशेल्स के सांस्कृतिक राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया था? तो वो है ए आर रहमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कन्फ्यूशियस कौन था? यह एक चीनी दार्शनिक था। चीनी दार्शनिक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लक्षद्वीप सागर को और किस नाम से जाना जाता है? लक्षद्वीप सागर को और किस नाम से जाना जाता है? इसको लसाड्यू सागर के नाम से जाना जाता है। लसाड्यू सागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। वर्गीज कुरियन वर्गीज कुरियन डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह का नाम क्या है? तो भारत का पहला उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। पीवी सिंधु कौन है? तो यह एक बैडमिंटन खिलाड़ी है, बैडमिंटन चैंपियन। ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 2015 को बनी गूगल की मूल कंपनी का नाम क्या था? 2 अक्टूबर 2015 को बनी गूगल का मूल कंपनी का नाम अल्फा इंक था। अल्फा इंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CPO का फुल फॉर्म क्या होता है? CPO का फुल नेम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेलवे ने 2015 में CNG पर चलने वाली पहली ट्रेन थी, उसका जो CNG होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो CNG का होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में जाना जाता है? विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक यह एक संग्रहालय है।
यह एक संग्रहालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एमिनो एसिड का चार प्रमुख तत्व कौन कौन से है? तो एमिनो एसिड का चार प्रमुख तत्व है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सूर्य मंदिर कहाँ है? सूर्य मंदिर यह है महाबलीपुरम, महाबलीपुरम। सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो यह है महाबलीपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक लवणता वाला झील कौन सा है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में सर्वाधिक लवणता वाला झील वान झील है। वान झील है जो तुर्की में है, तुर्की में है, वान झील तुर्की में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B1 की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो विटामिन B1 की कमी से होने वाली बीमारी बेरी बेरी है। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन B2 से त्वचा का फटना क्लोसिस, विटामिन B3 से मंदबुद्धि बालों का झड़ना, विटामिन B5 से पेलेग्रा त्वचा दाग, विटामिन B6 से एनीमिया चर्म रोग, विटामिन B7 से लकवा शरीर में दर्द, विटामिन B12 से रक्त क्षणिता, विटामिन सी से स्कर्वी मसूड़ों का फूलना, विटामिन डी से रिकेट्स, विटामिन ई से नपुंसकता, विटामिन के से रक्त का थक्का ना बनना। ये सभी रिलेटेड इससे क्वेश्चन है। तो आज का टेस्ट सीरीज यही था आप लोग का, आशा करते हैं आप लोग काफ़ी इंजॉयफुल महसूस किए होंगे। चलिए आज का टेस्ट सीरीज, कल का जो होमवर्क है उसको बनाते हैं और उसके बाद होमवर्क ले देते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क था, जिसमें पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 37% में 550 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाता है, तो वह संख्या क्या है? तो सबसे पहले 37.1/2 को 3/8 लिख सकते हैं। तो 3/8 बोला है इसमें वह संख्या, तो 3/8 8 मानते हैं यह संख्या है, तो इसमें कितना जोड़ रहे हैं? 3/8 का 37% कितना परसेंट कितना है? 3, तो जोड़ कितना रहे? 3। कितना अंतर हो रहा है 5 का? यहाँ पर कितना, 3 में कितना जोड़ेंगे कि 8 प्राप्त होगा, तो 5 जोड़ेंगे। देखेंगे फिर से 37% कितना परसेंट 3/8 होता है, तो 8 संख्या मान लिए, एक्स के जगह पे हम 8 मान लिए, तो 8 का 37% कितना परसेंट, कितना परसेंट 3 होगा, तो 8 में 3 है, तो 3 में कितना जोड़ रहे हैं कि 8 प्राप्त हो रहा है? तो 5, तो 5 दिया है, लेकिन यहाँ पर कितना दे रहा है? 550, कितना गुना? 110 गुना ज़्यादा है, तो 110 गुना ज़्यादा है, तो इसमें 110 से गुना कर देंगे। कहें कि पूछ रहे हैं मूल संख्या, तो मूल संख्या इसी को माने हैं, 110 गुना कर देंगे तो 880 हो जाएगा आप लोग का आंसर। आप लोग मिला लीजिएगा और आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, उसको बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 16% कितना का लाभ कमाता है? तो सबसे पहले 16.2/3 को
दो बटा तीन को एक बटा छः लिख सकते हैं। अब ये कैसे लिखते हैं पहले ये बता दें, इतने से गुना करेंगे 48, ये 2 हो जाएगा 50/3, इसमें 100 से गुना करते हैं, ये 300 हो गया, ये 2 यानी कि 1/6 ये हो गया आपका। ठीक, तो ये बोला है इतना परसेंट 1/6 हो गया लाभ कमाता है इतना, तो कितना पे लाभ 1/6, 6 में कितना लाभ कमाता है, एक मिश्रण टोटल है 6 आपका, में 6 रुपये में 1 रुपया लाभ कमाता है, तो टोटल रहता है 7, ये क्या हो गया आपका, एक जो है 6 लीटर दूध है मिल्क, और 1 लीटर वाटर है, लाभ कमा रहा है तो वाटर डाला तभी तो लाभ कमा रहा है, नहीं तो पानी नहीं डाला तो दूध बेचेगा तो दूध ही कमाएगा, तो टोटल मिश्रण कितना हुआ 7, लेकिन यहाँ पर 7 मिश्रण हो गया तो ये क्या पूछ रहा है, तो मिश्रण से दूध का अनुपात, तो मिश्रण कितना है 7:7 दूध का 6, आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, ये मिक्सचर लिख लेंगे, ये मिल्क आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए तो आज का होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क बनाकर होम कॉपी में डालिएगा कमेंट्स बॉक्स में आंसर। आज का आप लोग का होमवर्क है रेशियो से, इसमें पहला क्वेश्चन है ए और बी की आय का अनुपात 3:4 है और उनकी व्यय का अनुपात 4:3 है और बचत 2,000 और 1,000 है, तो क्रमशः ए और बी का टोटल व्यय क्या होगा, आय क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपात 3:2 में कर्मचारियों की संख्या कम हो जाती है और 4:5 में प्रत्येक कर्मचारियों का वेतन बढ़ जाता है, ऐसा कर कि एक कंपनी 12,000 रुपया बचाती है, तो वेतन का प्रारंभिक व्यय क्या होगा। ये आप लोग का क्वेश्चन था, आप लोग का होमवर्क का, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और दोस्तों को आप लोग ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी उनको भी पढ़ने का मौका मिले। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, कमेंट्स बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर लिख कर भेजें, थैंक यू।